दिल्ली कटड़ा एक्सप्रेस हाईवे लई जबरी अते घट रेट ते जमीना एक्वायर करन दा विरोध कर रहे पंजाब भर तो आए किसानां ने अज पटियाला स्थित मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मोती महल नूं चारे पासिओं घेरा पा लिया। इह पहली वार है जदों किसे जथेबंदियां वल्लों मोती महल नूं इस तरह घेरिया गया होवे। किसानां वल्लों भावें पहलां शहर विच ट्रैक्टर मार्च करन दा प्रोग्राम उलीकिया गया सी पर महल दे घिराओ दा प्रोग्राम किसानां ने गुप्त रख्या। बावजूद इस दे पुलिस ने मजबूत बंदोबस्त कीते होए सन पर किसानां ने ट्रैक्टर दी मदद नाल बैरीकेड हटा के लंघन लई रास्ता बना लिया अते महल दे वख-वख मोड़ां विच जाके धरने मार दिते। इस दौरान YPS चौंक विच ही किसानां ते पुलिस विच झड़प हो गई क्योंकि पुलिस किसानां नूं अगे वधन तों रोक रही सी पर किसानां ने ट्रैक्टरां दी मदद नाल बैरीकेड लांबे करके राह बना लिया। इस दौरान किसानां वल्लों मुख्यमंत्री निवास दे पिछे स्थित सोलर रोड वाले चौंक विच मेहंदी चौंक अते YPS विच धरने लाए हुए सन। इस तों इलावा इन्हां किसानां दी हमायत विच वख-वख जिलियां तों ट्रैक्टर लै के आए किसानां नूं पुलिस ने फुहारा चौंक ते ही रोक लिया जिस करके उन्हां ने फुहारा चौंक ते धरना ला के आवाजाही ठप कर दित्ती। वो पता नहीं कहां सो रहा हमारे राजा साहब, हम ढूंढ रहे हैं उसको, ढूंढते हुए हम कैप्टन साहब को, पंजाब के मुख्यमंत्री को उसकी कोठी पर आए कि कैप्टन साहब आपका दरवाजा खटखटा रहे, आप दरवाजा खोलो, इन किसानों के साथ न्याय करो, बाजार मूल्य तय करो, उनवास के नाम का 75% अतिरिक्त, और हमारी जो बाकी समस्या है कि दोनों तरफ जो जमीन हमारी पड़ रही है उसका अलग से मुआवजा मिलता है, जो हमारी सारी मांगों का समाधान करो। और एक काम और कर रहे हैं, जो शहर के अंदर जो गांव उनको मुआवजा कम दे रहे, या तो उनको गज का रेट दो जो मार्केट कमेटी का नियम है, या फिर उनको 4 गुना दो जो बाकी को 4 गुना दे रहे हैं, तो किसानों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन आज का प्रदर्शन तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री को ढूंढने के लिए आए, मुख्यमंत्री कहीं गायब है पंजाब का, और पंजाब के किसान ढूंढ रहे हैं। अब वो पटियाला का ओरिजिनल निवासी है, उसके पूर्वजों ने यहाँ राज किया, तो हमने सोचा इस महल में ही जाके ढूंढते, लेकिन महल में भी मुख्यमंत्री पंजाब का नहीं मिला। तो देखो आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे, और जब वो मिलेगा तो एक ही बात है, कैप्टन साहब आप हमारे प्रांत के पंजाब के मुखिया हो, आप हमारे साथ न्याय कीजिए, कि किसानों का बाजार मूल्य से मुआवजा दीजिए, पुनर्वास दीजिए। और मैं कहता हूँ जब मोहाली का एयरपोर्ट बना तो आपने 1.5 करोड़ पंजाब सरकार ने दिया, जब हमारे आप सेक्टर में जमीन गई तो आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दे चुके। उसके बाद महंगाई बढ़ गई, किराया बढ़ गया, रेल का बढ़ा, हवाई जहाज का बढ़ा, बीड़ी सिगरेट बढ़ गई, दाल चीनी नमक सब कुछ बढ़ गया, एक जमीन घट गई। ये क्या हो रहा है देश में, सब चीजों के रेट बढ़ गए, कपड़े के बढ़ गए, सब चीजों के बढ़ गए, एक जमीन घट गई। इसलिए हमारा कहना है कि जो भारत सरकार का एक इंडेक्स आता है हर साल बजट के साथ, वो कहता है कभी भी कोई भी रेट घट नहीं सकता, बढ़ेगा, टैक्स बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ती है, तो जो हमारा बेस ईयर है जिस साल से हमारे रेट नहीं बढ़े उस साल से सुप्रीम सार है, ये मांगने के आए। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ पंजाब के भाइयों के माध्यम से, कानून का उल्लंघन करने में मंत्रियों की, सरकार के अधिकारियों की 3 साल की सजा बनती है, ऐसा ना हो कि 5-10 दिन के अंदर, नहीं तो हमें फौजदारी मुकदमे इनके खिलाफ डालने पड़े और 3 साल के लिए जेल के अंदर। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।